गुड मॉर्निंग गाइस, आज की एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज़ सभी के लिए। जनरल यानी सवर्णों को भी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण की घोषणा मोदी सरकार ने कर दी है। इसके लिए संविधान संशोधन बिल कल आ सकती है संसद में गवर्नमेंट। इसके तहत सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी है उसमें कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा, चलिए आप समझ लेते हैं कौन कौन आएगा इस आरक्षण के अंतर्गत। हम ये देख लेते हैं सबसे पहले, यानी कौन कौन से व्यक्ति इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। जिनकी आय 8 लाख से कम है वो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा, यानी वो 8 लाख से कम इनकम वाले लोग सभी आएंगे। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का 100,000 वर्ग मीटर से कम में मकान आने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा 5 एकड़ से कम खेती अगर किसी व्यक्ति के पास है तो इस आरक्षण में वो आएंगे। साथ ही कस्बों में 200 गज जमीन से कम शहरी और शहरी क्षेत्र में 100 गज से कम जमीन है तो वो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित होंगे। इससे पहले जो पहल की गई थी 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब अगर जब ये अगर आरक्षण लागू हो जाता है तो क्या क्या रहेगा। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जबकि कर्नाटक में जो है 70% आरक्षण रखा गया है पहले से ऑलरेडी। आंध्र प्रदेश में जो है हमारा 55% आरक्षण है, तो इसकी गुंजाइश जो है काफी हद तक चेंजेस होने हैं। अब संविधान संशोधन में क्या हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन, तो संविधान संशोधन की जो सूची अनुसूची 9 है उसमें चेंजेस होंगे। साथ ही आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है हमारे, इन दो आर्टिकल में भी परिवर्तन होने वाला है। जैसे आर्टिकल 15 में शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए SC ST OBC के लोग हैं उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जबकि 16 के 4 में हमें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। तो इन दोनों में अब परिवर्तन हो जाएगा, राइट दोस्तों। और इसके आगे बढ़ते, अब मंडल कमीशन ने कितना अपन को तय कर रखा है पहले हम वो आपको मैं समझा दूं। मंडल आयोग जो बीपी मंडल आयोग था उसने क्या रखा है, ST के लिए जहां केंद्र में 7.5% है और SC के लिए जो है 15% है, 15.5%, जबकि OBC के लिए जो है 27% है। तो अब वहीं राज्य में क्या होने वाला है वो समझ लीजिए। राज्य में ST के लिए 20%, SC के लिए 16% और 14% OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। राजना ये घोषणा हो चुकी है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 9वीं अनुसूची में चेंजेस होना है, या 9वीं जो शेड्यूल हमारी अनुसूची है उसमें और आर्टिकल 15 और 16 में भी चेंज होंगे। साथ ही आर्टिकल 46 जो है हमारा उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मध्य आज भारत सरकार का सबसे अच्छा फैसला जो आरक्षण का है वो अब आपको हम बता रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आरक्षण जो मिला है हक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचाएँ और इस मोहर पर जल्दी से जल्दी इस पर लगवाएँ।